नमस्कार दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल, हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आपका उस प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज। आप सोच रहे हो ये शक्ल से इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है, इसकी आवाज़ दबी दबी क्यों आ रही है। उसकी वजह यह है मैं बहुत बीमार था, बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचाऊँ और उसकी डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसको हुआ क्या। बट देन बाद में हमने तोड़ निकाला इसका कि एक्चुअली में हुआ क्या था। पिछले दिनों करवा चौथ था और किसी भी औरत ने मेरे लिए व्रत नहीं रखा था क्योंकि मेरी कोई बीवी है नहीं, तो मेरे को शाप लग गया और मैं बस किसी तरीके से अपने पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से बच गया हूं। आपको डाउट है, मेरा भी एक पुराना जन्म है। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की। ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी। अपने पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी मशहूर समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान थे। लेकिन मैं अपनी सेहत से पूरी तरीके से रिकवर हो ही पाया था कि फिर से मौजें आ गईं और ये पता चला है कि वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात चल रही है। तो एक जायज़ सा सवाल है कि भाई किस बात पे। हालांकि भारत रत्न ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला है कि जिनसे ये सवाल पूछना, जिनके बारे में पूछना जरूरी है कि कौन से ऐसे वजूहत हैं जिनकी वजह से आप इनको भारत रत्न दे रहे हैं। पॉलिटिकल रीजंस ही रहे हैं ज़्यादातर तो, लेकिन सावरकर उस लिस्ट में सबसे ऊपर है जिनके ऊपर सवालिया निशान है कि इनको क्यों भारत रत्न मिल रहा है। आज भी हमारे समाज में इतिहास की ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद में आपकी गलत राय किसी भी चीज़ के प्रति बन सकती है। एक गलत आदमी के प्रति सही राय बन सकती है, एक सही आदमी के प्रति गलत राय बन सकती है। आपने कहा, एक चित्रगुप्त नाम के राइटर्स ने एक किताब लिखी थी सावरकर के ऊपर जिसमें उन्होंने इतनी तारीफ करी थी, सावरकर की इतनी तारीफ करी थी। बाद में वो किताब जब दोबारा छपी, उसका एडिशन निकला, तो पता चला चित्रगुप्त सावरकर खुद ही थे। तो या तो इसी बात के लिए भारत रत्न मिल रहा है उनको। कैदी नंबर 32,778 जो विनायक दामोदर सावरकर थे, इन्होंने 1913 में माफी मांगनी शुरू कर दी, ठीक है, इसलिए इनको 1921 में अंडेमान निकेबार से पूना जेल भेज दिया, ठीक है, और इनको क्लैरिकल वर्क दे दिया कोलू चलाने के अलावा, ठीक है। क्लैरिकल वर्क अंग्रेज उन्हीं को देते थे जो उनके समर्थक होते थे जेलों, जो उनको लगता था कि ये हमारे सीक्रेट लीक नहीं करेगा। 1921 के बाद 1924 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया इस शर्त पे जो उन्होंने लिखित में दिया, जो आर्काइवल अकाउंट्स में है, रेलवे जेल रिकॉर्ड्स में है कि साहब मैं अब कभी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। या फिर महात्मा गांधी के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में सबको फंसा के वो खुद पतली गली से निकल लिए, या फिर इस बात के लिए मिल रहा होगा। बाकी अगर कोई तीसरी कोई वजह है तो आप में से लोग मेरे को बता दें, क्योंकि मेरे को वक्त नहीं मिला ज़्यादा पढ़ने का सावरकर के बारे में। अब क्योंकि अमित शाह जी कह रहे हैं कि अब हिस्ट्री हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, जिसने जो लिखा है उसको भूल जाओ, तो अब हो सकता है कि दोबारा से पढ़ने को मिल जाए। लेकिन इसमें डिलेमा है क्योंकि एक तो हमारी स्कूल की उम्र निकल गई और हमने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, और दूसरी बात ये अब इस सरकार ने ये भी बोलना शुरू किया था कुछ टाइम पहले कि आप ज़्यादा क्यों पढ़ते हो, किताबी नॉलेज क्यों लेके आते हो। अब ये फिर से हिस्ट्री लिखेंगे तो हमें फिर से पढ़नी पड़ेगी। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार कि ये हमें पढ़ने को कह रहे हैं या ना पढ़ने को कह रहे हैं। लेकिन कैसे करेगा तू, ये सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। भाई भाई टेंशन नहीं लेने का, भाई अब उन सब संभाल लेगा। ये बिल्कुल वैसी बात होगी कि बैंक में पैसा रखो तो बैंक के बंद होने का डर, उस डर से पैसा घर में रखो तो नोटबंदी का डर, नोटबंदी के हिसाब से भी चलो 2000 रुपए के नोट ले आओ तो 2000 रुपए के नोट छपने भी बंद हो जाए। सर इसे मोदी को कर दिया, मोदी मेरी मच, बाप है मेरा, ये कहता है कि मोदी खंजर है। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आंखों को लुभाने वाली एक तस्वीर सामने आई थी जो आप सबने देखी होगी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बॉलीवुड की बालाओं से घिरे हुए थे, जिसमें कंगना रनावत और एकता कपूर तो मेरे को समझ में आए, बाकी कौन थे मेरे को समझ में नहीं आए। इट मेक सेंस, एकता कपूर राइट में है, कंगना रनावत लेफ्ट में, लेकिन आपने उस तस्वीर को गौर से देखा हो तो कंगना रनावत जो है ना गुस्से में है क्योंकि वो सबसे पीछे है। ए बोबड़ी, तुझे हमारा बॉलीवुड छोड़ के जाना होगा वरना कसम से टकला कर दूंगा तुझे पापा की तरह। मानने की तुम और तुम्हारे बाप के पास दुनिया भर का पैसा है पर ये बॉलीवुड मेरा है मेरा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है इस तस्वीर में, मतलब देखने में तो जो उसका जो जो एस्थेटिक्स है वो क्वेश्चनेबल हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब से 50-60 साल बाद या 70 साल बाद जब कोई और बंदा ये कह रहा होगा कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ठीक है पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ,
जब कोई ये कह रहा होगा, कोई ये तस्वीर निकाल के सामने लेके आएगा और कोई पार्टी का कोई बंदा या कोई आईटी सेल का कोई बंदा ये तस्वीरें निकाल निकाल के लेके आएगा और बोलेगा कि मोदी अय्याश था, मेरा तो दिल भर आएगा, रो पड़ूंगा मैं। दम लगा के मूव इट, जोर लगा के डू इट, डू इट, शाम सुबह आया आया, रात दिन आया आया। बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं किसी छोटी सी जगह पे, मैं अब तो नाम लेना ही बंद कर दिया मैंने कि किसने क्या बोला है, क्योंकि ये सब एक ही जैसी बात कर रहे हैं, एक ही सुर में राग अलाप रहे हैं, और मैं नाम लूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये बात तो उसने भी बोली थी, ये बात तो उसने भी बोली थी, अपने पॉइंटर्स ही मैच करते रह जाओगे, तो इसलिए नाम लेना छोड़ो, बात पे आते हैं। उन्होंने बोला कि धनतेरस पे अब बर्तन मत खरीदो, तलवारें खरीदो। क्यों? अपनी सिक्योरिटी के लिए। सबको अपनी सिक्योरिटी के लिए धनतेरस का वेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि उससे पहले तो आप तलवार खरीद नहीं सकते हो। धनतेरस आ गया, चलो जी तलवार खरीदते हैं, अब से हम सिक्योर होंगे। मैंने पहले भी कहा है और अब भी मैं कह रहा हूँ कि आने वाली दीपावली पर, धनतेरस पर हिंदुओं को मैं विशेष तौर से सलाह देता हूँ और इस बार भी दे रहा हूँ कि चांदी के बर्तन ना खरीदें, लोहे की तलवार खरीदें, सुरक्षा के काम आएगी। क्या कारण है जो तलवार खरीदने की? देश का माहौल बिगड़ जाएगा इस हालत में, चूँकि हम लोग नहीं चाहते कि हम अपनी सुरक्षा ना कर पाए, अपनी सुरक्षा के लिए तो हथियार जरूरी है, हमारे तो देवी देवताओं के हाथों में हथियार रहे हैं। एक तलवार आपने इकट्ठी कर ली, अगले धनतेरस पे आप फिर से तलवार लेके आ जाओगे, दो तलवारें हो गई, फिर अगले धनतेरस पे एक और लेके आ जाओगे, तीन तलवारें हो गई, तो जितने साल आप रहोगे उतनी तलवारें आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी। क्या करोगे? सेना बनानी है आपने महाराणा प्रताप की? यार जमाना तलवार का है नहीं, और उस तलवार का आप करोगे क्या? किसको मारोगे जाके? अपने आसपास के लोगों को ही तो, अपने भारतवासियों को ही तो मारोगे, क्योंकि बाहर तो लेके जा नहीं सकते हो आप इसको, बाहर ले जाओगे तो एयरप्लेन में सिक्योरिटी में आप पूछने ही नहीं देंगे, बेसिकली इस तलवार को आपने यहीं पे यूज़ करना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने इनकी बात सुन के धनतेरस पे तलवार खरीदी लोहे की, और लोगों को छोड़ो कि इन्होंने खुद खरीदी है लोहे की तलवार, और खरीदी है तो कहाँ से खरीदी है, और अगर खरीदी है कितने किलो की है वो तलवार, आपसे उठ भी जाती है? उठ जाती तो चला भी लोगे क्या? यार जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप तलवारों पे अटके पड़े, कुछ ऐसा हथियार लेके आओ सोफिस्टिकेटेड जिससे भारत का नाम रोशन हो कि धनतेरस पे इंडिया में ये हथियार बिकते हैं, कुछ तो ऐसा करो यार। पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। हमारा नॉन वायलेंस के प्रति इतना कमिटमेंट है कि हम पूरी आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में नॉन वायलेंस के सिद्धांतों को लेकर के लड़े हैं, और सारी दुनिया चकित हो गई थी कि एक समाज पूरा नॉन वायलेंस में इतना कमिटेड होता है। मजेदार चीजें हो रही हैं यूपी में। एक पत्रकार है मोहम्मद अनस नाम से, और उन्होंने कम्युनल हार्मनी को लेके बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट डाली कि कोई भी आपस में अफवाहें ना फैलाएं, सद्भाव में रहें, और कोई भी दिक्कत हो तो यूपी पुलिस के पास जाएं, और वो इस तरह की निरंतर पोस्ट करते चले जा रहे थे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश है तो यूपी पुलिस ने जाके उन्हें ही अरेस्ट कर लिया इस इल्ज़ाम पे कि वो जो है समुदायों को आपस में भिड़ाने की बात कर रहे हैं अपनी पोस्ट में। किस लॉजिक से, वो तो यूपी पुलिस ही बता सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस तरह की मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि ट्विटर। एक तो ट्विटर जो है ना हमारे मुल्क में बंदर के हाथ में उस तरह है, अपनी चांद मुंड लेते हैं हम। ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया किसी ने, बॉयकॉट ऑल मुस्लिम्स या समथिंग लाइक दैट, टू हैशटैग करके जो चलता है आजकल बेवजह, मुझे समझ में नहीं आता। पहले तो बताओ ट्विटर पे ट्रेंड चलाने से क्या होगा? मैं ट्विटर पे ट्रेंड चला दूं कि इंडिया इज़ द सुपर पावर तो हो जाएगा क्या? कोई मैं ट्रेंड चला दूं इंडिया इज़ द रिचेस्ट कंट्री ट्रेंड मैं चला दूं तो हो जाएगा क्या? इंडिया में कोई भुखमरी नहीं है, जो फूड इंडेक्स है उसमें बहुत ऊपर चले गए, मैं ट्रेंड चला दूं तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना भाई। और आप कह रहे हो बॉयकॉट मुस्लिम्स, और आपका प्राइम मिनिस्टर एक तरफ शाहरुख खान, एक तरफ आमिर खान उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उनको तो समझा दो पहले। अब यूपी की बात चल ही रही है तो यूपी में पिछले दिनों दोस्तों एक और दर्दनाक घटना हुई, कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी गई उनके घर में घुस के। हत्या जिसकी भी हो हम हमेशा से बोलते आए हैं ठीक नहीं है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, देश में कानून व्यवस्था है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन यूपी है तो वहाँ पे कानून व्यवस्था तक बात पहुंचते पहुंचते तो कई जनरेशन निकल जाती है, तो इसलिए लोग मैटर्स को अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मीडिया के मुंह खून लग चुका है, उसको खून दिखता है और उसमें अपनी रोटियां सेकने लगता है। ये एक इंटरव्यू देखिए आप, जिसमें सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज़ के वो इंटरव्यू कर रहे हैं
विक्टिम की मदर के, जिनके जिनका बेटा एक दिन पहले मरा है, और उनसे इतने इनसेंसिटिव सवाल पूछ रहे हैं, और वो क्लियरली बोल रही हैं कि मुझे तो शक है पूरा का पूरा योगी सरकार के ऊपर और इन लोगों के ऊपर, बीजेपी के लोगों के ऊपर, फलां लोगों के ऊपर, क्लियरली बोल रहे हैं। कुसुम जी, जो बयान कमलेश जी ने दिए थे 2-3 साल पहले, उस पर तो पूरे समाज में काफ़ी गुस्सा था। जिस तरह के बयान उन्होंने दिए थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के इल्ज़ाम लगे थे उनके ऊपर, इसमें योगी कहाँ से आ गए? तब मार देते तो खुश हो जाते। 5 साल हो गए, 5 साल गए अखिलेश की सरकार थी, आज की बात नहीं है। आजम खां और मंत्री था और अखिलेश की सरकार थी, तब नहीं उनका कोई रोया तोड़ पाया। योगी सरकार में बदला लिया गया। मैं आपकी जगह होता तो इस्तीफा देके नौकरी से संन्यास लेके पहाड़ों में चला जाता कुछ दिन के लिए, योगी बन के वापस आता, हो सकता है चीफ मिनिस्टर बन जाता। तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है, और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले दिनों जो रामलीला हुई है वो नहीं देखी, दशहरे के टाइम पे जो रामलीला होती है, जो जिसका समापन समारोह होता है रावण जलने पे, जिन्होंने रामलीला नहीं देखी है वो ये डिबेट देख ले। जल्दी डिबेट शुरू करते हैं। आज मेरे साथ हैं, मेरे लेफ्ट पर बैठे हैं, बाएं तरफ ये जो आपने शंख बजाया है, वो भी एक आर्ट है। जिस तरह से आपने बजाया उसको तो हम तारीफ करेंगे, मगर क्यों बजाया आपने? यह शंखनाद विजय का शंखनाद है। मुझे पूरा विश्वास है कि रामलला जी का जहां जन्म स्थान है वहां पर हमारा मंदिर बनेगा। और इस बार की जो सबसे ज्यादा मजेदार मौज बोलू ना अगर, तो वो ये है, एक मंदिर के बाहर एक कूड़ादान रख दे गया, और लोगों ने शायद वो पहली बार देखा था, वो जो कैंगरू के रूप में एक कूड़ादान होता है जिसके यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, जो पॉकेट होता है उसका, लोगों ने शायद वो पहली बार देखा था, लोगों ने उसी को भगवान समझ लिया। आप ये वीडियो देखें, उसमें देखें लोग उस कूड़ेदान के साथ क्या कर रहे हैं। देखा आपने इस वीडियो में, एक किसको हम भगवान मान लेते, कितने मासूम हैं हम, और हम लड़ क्यों रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? हम तो जहां कुछ भी रख दें वही मंदिर है, ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? एक बार फिर से साबित होता है आस्था के साथ लॉजिक और रैशनलिटी का कोई लेना देना नहीं है। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है, केवल एक पशु है, इसलिए हमको उसको हमने माता का दर्जा दिया। अब सच्चाई क्या है? साइंस के मुताबिक पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। पेड़ पौधों के अलावा ऐसा कोई भी जीवित प्राणी नहीं होता जो ऑक्सीजन निकालता हो, इसलिए गाय भी सभी की तरह ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कुछ दूसरी गैसें भी होती हैं, बाहर छोड़ती है। दिवाली का माहौल है दोस्तों, और ये दिवाली वाला एपिसोड भी है, तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मैं कहना तो चाहता हूँ कि पटाखे वगैरह ना छोड़े, पोल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन मानने वाला कोई है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का लॉजिक देते हैं, अगर बच्चे दिवाली के दिन पटाखे नहीं छोड़ेंगे तो करेंगे क्या। मैं उनसे कहता हूँ भाई वही करेंगे जो बाकी के दिन कर रहे होते हैं, उनको अपना मोबाइल पकड़ा दो, उस पर पबजी खेल लेंगे, कोई और गेम खेल लेंगे, नहीं तो टीवी पे पोगो दिखा दो, बाल गणेश, इतनी 50 चीज़ें आती रहती हैं वो दिखा दो, नहीं तो कोई पिक्चर दिखा दो करण जौहर की, वो भी बच्चों वाली फिल्में बनाता है, तो उनका टाइम ऐसे कट सकता है, लेकिन वो मानते नहीं है, बच्चों ने पटाखे छोड़ने ही छोड़ने, तो मेरे कहने का कोई फायदा है नहीं। सो हैप्पी दिवाली, हैप्पी अस्थमा, हैप्पी पॉल्यूशन, हैप्पी ब्रोंकाइटिस, क्योंकि दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो वो दवा हो जाता है, पॉल्यूशन अब हमारे लिए दवा है। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी
सा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल। चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज। पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। अरे